नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ब्यूटी के लिए आप अपने फेस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फेस पर झुर्रियां हैं या वो तैलीय है या बहुत ही उस पे ड्राई स्किन है तो दाग धब्बे हैं, तो इनको सभी को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा जो आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और अपनी फेस की जो त्वचा है उसको जवां और निखरा हुआ बना सकते हैं और ग्लोइंग कर सकते हैं। तो आइए बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको एक गुनगुना, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर किसी बाउल में, उसमें उसमें आपको एक कपड़े से भिगोकर अपने फेस को पोंछ लेना है। और एंटी एजिंग फेस मास्क लगाने से पहले आप फेस क्लीनिंग करेंगे, और फेस क्लीनिंग के लिए आप गर्म पानी सबसे अच्छा स्रोत है। और एंटी एजिंग फ्रूट फेस मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले हाफ एप्पल को छोटे छोटे पीसों में काट लीजिए, और काटने के बाद उसको उसमें 4 से 5 लेके ऑरेंज ऐड कीजिए, और उसके बाद पका हुआ पपीता एक पीसेस छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद सारी चीज़ों को आप ब्लेंड कर लीजिए, और इस ब्लेंडेड फ्रूट्स को 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आपके पास ये सारे फ्रूट्स ना हो तो आप बनाना भी यूज़ कर सकते हैं। इस मिक्सचर से 3 चम्मच मिक्सचर को एक बाउल में डाल लीजिए। अब इसके साथ एक आधा चम्मच चावल का आटा इसमें ऐड कीजिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, और सभी को मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बन जाएगा। और इस फ्रूट मास्क को आप अपने फेस पर लगा लीजिए, और हमने इस मास्क पे एप्पल ऐड किया, और इसमें बहुत सारी मात्रा में विटामिन सी मिलता है, और जो कि हमारी एंटी ऑक्सीडेंट की बहुत सारी चीज़ें हमारी फेस को साफ करती हैं और उसमें दाग धब्बे साफ करती हैं। और ऑरेंज भी ऐड किया है, ऑरेंज जूस में जो है साइट्रिक एसिड होता है जो एंटी एजिंग को कम करता है और फेस को रिजुविनेट करता है और एजिंग को कम करता है और स्किन को फ्रेश करता है और स्किन की फेयरनेस को भी इम्प्रूव करता है। और इसमें पपाया जो हमने यूज़ किया है, पपाया में अल्फा हाइड्रो ऑक्सीड एसिड होता है जो डेड सेल्स को रिमूव करता है। पपाया में पपाइंग नामक एंजाइम होता है जो स्किन टोन को लाइटनिंग करता है और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। इसमें मौजूद विटामिन स्किन की ड्राइनेस को रिमूव करके स्किन को स्मूथ और फेयर बनाते हैं। तो दोस्तों आप इसको लगाकर अपनी स्किन को साफ कर सकते हैं, और 20 से 30 मिनट तक इसको लगाकर ऐसे छोड़ दीजिए, और फिर फेस वॉश को अपने फेस को ठंडे पानी से धो लीजिए। दूसरी एंटी एजिंग फेस मास्क बनाने के लिए आपको एक एग वाइट चाहिए, हनी चाहिए और लेमन जूस चाहिए। एक बाउल में एग को तोड़कर उसका जो लिक्विड है उसको डाल लीजिए बाउल में, और उसमें 1 स्पून शहद ऐड कर लीजिए और आधा चम्मच उसमें नींबू डाल दीजिए, और सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसको आप एक ब्रश से अपने फेस पर लगाइए और पूरी तरह से लगा लीजिए। और एग होने से इसमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन होते हैं, मिनरल होते हैं जो स्किन को टाइटनिंग करते हैं, और जिससे आपकी स्किन जो है फेयर होती है। और इसमें स्लाइट ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करते हैं। हमने इसमें हनी मिलाया है, जो हनी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये एजिंग को कम करते हैं। इसमें लेमन जूस भी है, जो लेमन जूस जूस में विटामिन सी होता है जो बहुत स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब इस मास्क को आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये मास्क ड्राई हो जाए, इसको एक ओलिव की लेयर इसके ऊपर अप्लाई कीजिए, और उसके बाद लगाने के बाद इसको थोड़ा सा आप सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद जो है आप इसको जब ये पूरी तरह से आप ड्राई हो जाए तब इसे गुनगुने पानी से आप इसको धो लीजिए। इन दोनों मास्क में से आप जो भी आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं, और एक हफ्ते में आप इसको 2 या 3 बारी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का फेस को डल
और उसको एजिंग को दूर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्लोइंग बनाने के लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आज अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको और भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आपको आपकी फेस के लिए और भी अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। धन्यवाद।